जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में स्नान की विधि हमने आपसे वर्णित की, अब आप तिलक धारण की विधि आप समझिए। स्नान करने के बाद पुरुष ललाट आदि ऊर्ध्वपूर्ण धारण करे। ललाट में तिलक करते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करे। उसी प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्षिका में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व में वामन, बाईं भुजाओं में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के शालोक की सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्वपूर्ण धारण करना चाहिए। जो द्वारका की मृतिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्वपूर्ण करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोट गुना है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्वपूर्ण प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करते हैं, वह मेरे धाम में स्थिर हो जाते हैं और मैं लक्ष्मी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्युकाल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझे लक्ष्मीपति के लोक में मिल जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विराजमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते। चतुरानंद, मेरा प्रिय करने के लिए, अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित हो ऊर्ध्वपूर्ण धारण करे। ऊर्ध्वपूर्ण संसार बंधन का नाश करने वाला है। जय श्री कृष्ण।